हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस पार्ट 11 देखेंगे और एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल एमटीएस में पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिए, गत कल का जो संबंध है आगामी कल से, वही संबंध मार्च का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो इसमें देखिए, गत कल के दो दिन बाद क्या आता है, आगामी कल आता है। इसमें क्या हो रहा है, दो दिन ऐड हो रहे हैं। गत कल के दो दिन बाद आगामी कल आता है, तो ठीक उसी प्रकार मार्च के दो महीने बाद क्या आ जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद मई। तो मई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 15 का जो संबंध 225 से है, 12 का संबंध क्वेश्चन मार्क से होगा, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। देखिए ये क्या है, 15 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आता है, 225 आता है। ठीक उसी प्रकार 12 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होता है, 144। 144 ऑप्शन नंबर तीसरा में है, इसलिए ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा में दिया हुआ सेट के जैसा सेट देखना है हमें, और इन चारों में से कोई एक सेट है जिसको हमें चुनना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें यदि हम आपको वीडियो रोक कर भी अपना आंसर बता सकते हैं। इसमें लॉजिक ये है, यदि हम 8 का स्क्वायर कर देंगे और 7 का यदि हम क्यू कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 64 में यदि हम 7 का क्यू कितना, 343 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 407 हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। अब हमें इसके जैसा ही देखना है, तो इसके जैसा देखने के लिए क्या करना होगा, देखिए यदि हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 100, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 512 होता है 8 का क्यू। तो 100 और 512 कितना हो जाएगा, ये 500 जोड़ देंगे तो 612 हो जाएगा, जबकि ये 676 है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होता है, वो 12 का करेंगे तो 1728 क्यू होता है, 1728, ये तो 450 है, तो ये नहीं होगा। 12 का करेंगे तो कितना आता है, 144, और 8 का करेंगे नहीं तो 512 आएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम करके देखेंगे, देखना 8 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 36 का क्यू कितना होता है, 216 होता है। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 297। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बी जे सी आई को कैसे लिखा जा रहा है। देखिए जे बी आई सी, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपस में ये दोनों अंक आगे पीछे हो रहे हैं, तो ठीक इसमें भी करेंगे, एक्स आगे आ जाएगा, सी बाद में, डब्ल्यू आगे, डी बाद में। जैसे देखिए सी एक्स डी डब्ल्यू को कैसे लिखेंगे, इसमें लिख देंगे एक्स सी आगे डब्ल्यू और इसके बाद डी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फोर में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए, निम्न में से भिन्न को अलग कीजिए, इसमें से एक अलग है तो उसको हमें छांटना है। तो देखिएगा, बल्लेबाज, एम्पायर, गेंदबाज और विकेट कीपर, इसमें से हमें एक अलग है तो उसको चयन करना है। उसमें से क्या अलग हो जाएगा, एम्पायर अलग हो जाएगा, क्योंकि एम्पायर अलग होता है और ये तीनों क्या हैं, ये खिलाड़ी हैं, मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ये तीनों क्या हैं, खिलाड़ी हैं, जबकि एम्पायर अलग बात है, तो इसलिए एम्पायर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवा देखिए, निम्न में से भिन्न को अलग कीजिए, 43, 73, 53 और 63। तो इसमें देखिए इसका आंसर बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि 63 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है, जबकि बाकी तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से नहीं कटेंगी, तो इसलिए 63 अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात में देखिए, निम्न में से भिन्न को अलग कीजिए, इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए इसको यदि हम नंबर डालेंगे तो क्या आ रहा है, 11, 13, 15, 17, 19, मतलब देखिए 11 के बाद 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, मतलब 2 2 प्लस कर रहे हैं, 16, 18, 20, 22,
24। इसके बाद देखिए 19, 17, 15, 13, 11। देखिए इसमें हम माइनस कर रहे हैं इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा, लेकिन हम चौथा में भी चेक करेंगे 6, 8, 10, 12, 14। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सभी में प्लस 2 हो रहा है तीनों में, लेकिन जो ऑप्शन नंबर तीसरा है उसमें क्या हो रहा है, माइनस 2 घट रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शब्द गवर्नमेंट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग डाल लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 7, ये आता है 15, ये 22, ये 5, ये 18, ये 14, इसके बाद में ये 13, 5, 14, 20, 20 हो जाएगा ये। देखिए 7 से पढ़ेंगे तो 7 के बाद इसमें हम देख लेंगे संख्या अलग अलग लिख लेंगे, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक तो ये बन जाएगा, 14, 15, 16 ये नहीं होगा, 15 के बाद 16, 17, 18 एक ये बन जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23 ये तो नहीं होगा, 5 के बाद देखेंगे, 22 के बाद तो बड़ा है ही नहीं, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 5 से भी नहीं होगा, 18 के बाद 19, 20 ये भी नहीं हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे 20 से यदि हम करेंगे तो नहीं आ जाएगा, 14 से देखेंगे, 14 से 15, 16, 17, 18 एक ये बन जाएगा, 14 और 18 का 19, 20, 21 ये भी नहीं होगा, इसके बाद देखेंगे 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भी नहीं होगा, 13 से 13 के बाद ये 14, 13 के बाद क्या आता है 14, तो एक ये बन जाएगा, 15, 16, 17 ये भी नहीं आएगा, 18 से बड़ा है नहीं, 25 सॉरी ये 5 से 6, 7, 8 ये कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 1, 2, 3, 4 कौन कौन से, एक बन जाएगा देखिए 7 से 13, दूसरा 15 से 18, तीसरा क्या हो जाएगा 13 से 14, और एक ये 14 से 18, 4 बनेंगे, तो 4 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए और ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए और भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। अब देखिए भारत की राजधानी है क्या दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, जबकि भारत को क्या बोला जा रहा है, भारत को बोला जा रहा है पाकिस्तान, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली किसकी राजधानी हो जाएगी, पाकिस्तान की, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूरब दिशा में गया। देखिए ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, इससे 2 किलोमीटर पूरब में गया, 2 किलोमीटर पूरब हो जाएगा, उसके बाद दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद दोबारा वह दाएं मुड़ेगा तो कौन सा साइड, इस साइड आ जाएगा 2 किलोमीटर, तदनुसार वह अब अपने घर से किस दिशा में पहुंच गया है, तो हमें ये डायरेक्शन बताना है, तो ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ आया, मतलब नीचे कौन सी होती है, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, ये उत्तर होती है, ये पूरब, ये पश्चिम, तो नीचे है तो मतलब कौन सी दिशा में है, वो है दक्षिण दिशा में है घर से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16 है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो क्या करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब ये देखिए राइट से भी कितना है, 16 है, और लेफ्ट से भी कितना है, 16 है, तो देखिए 16 प्लस 16 करेंगे, माइनस 1 कर देंगे, तो 16 दूनी 32, 32 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 31, 31 नंबर ऑप्शन तीसरा में है, तो तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आयु में सुमा ऊषा से बड़ी है, तो देखिए ऊषा से सुमा ऊपर आ जाएगी, ऊषा उससे छोटी है तो ऊषा उसके नीचे आ जाएगी, इसके बाद गीता ऊषा से छोटी है तो गीता
इसके नीचे उषा से छोटी है तो उषा के नीचे आ जाएगी। जो प्रेमा है वो सुमा से बड़ी है, तो प्रेमा सुमा से बड़ी है तो इसलिए सुमा ऊपर आ जाएगी। अब देखिए पूछा क्या है, उनमें से सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, प्रेमा। प्रेमा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें देखिए हम ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, या फिर इस साइड से भी चल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वीडियो रोक कर देख सकते हैं आप, ये क्या हुआ है, 2 का क्यू होता है ये 3 का क्यू है, और ये 4 का क्यू होता है, ये 5 का क्यू होता है, ये 6 का क्यू होता है। तो अब देखिए या तो इसमें 1 का क्यू होना था, 1 का क्यू क्या हो जाएगा, 1 इसके बाद चलता 1 2 3 4 5 इससे, लेकिन 1 का क्यू ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7। तो 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है, 343 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 11 12 16 41 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें देखिए क्या लॉजिक लगेगा, 11 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए ये 1 जुड़ा है, अब ये जो 12 है 12 में गुणा कर देंगे यदि हम 3 से, तो कितना आ जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें कितने का है, इसमें 4 जोड़ना है, अभी हमने 1 जोड़ा था, 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 36 में अब हमें क्या जोड़ना है, 5, तो 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। अब जो 41 है इसमें अभी हमने 3 से गुणा किया था, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, मतलब 41 का गुणा यदि हम 7 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 7 एकम 7 7 चौके 28 287। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए इसमें हमने क्या करा था, 7 से गुणा किया, इसमें 5 जोड़े थे, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, मतलब इस वाली संख्या में हमें क्या जोड़ना है, 9, मतलब 296 में 9 जोड़ेंगे, सॉरी 287 में यदि हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 296 जो कि लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिए, देखिए पहले हमने क्या किया है, 11 में 12 जो 1 जोड़े हैं तो कितना आ जाएगा, 12, 12 का गुणा 3 में किया है तो 12 3 36 हो जाएगा। अब ये 1 जोड़ा था तो इसमें हमें 4 जोड़ने हैं, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, मतलब 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और ये 3 से गुणा किया था तो इसमें भी हमें 4 जोड़ना है, 3 और 4 7 से अब इसमें हमें गुणा करना है तो कितना आएगा, 287। अब इसके बाद 5 जोड़े थे, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसमें हम 287 में 9 जोड़ेंगे तो 296 हो जाएगा। अब हम यदि इसमें गुणा करते तो 296 में कितने से गुणा होता, अभी 7 से किया है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितने से करते, 11 से, लेकिन इससे आगे सीरीज नहीं है इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए को माइनस बी को डिवाइड और सी का अर्थ है प्लस, तो देखिए बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है डिवाइड, तो इसमें हम डिवाइड का निशान लगाएंगे, और सी का अर्थ है क्या, प्लस, तो प्लस का निशान लगाएंगे, 24 लिखेंगे, ए का मतलब है माइनस तो 12 करेंगे, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डी का अर्थ दिया नहीं है तो डी का अर्थ क्या हो जाएगा, इंटू होगा, तो डी का हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, क्योंकि ये चारों ऑप्शन होते हैं तो ये इधर लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए इसका इंटू हो जाएगा, मतलब डी का मतलब है गुणा से। तो देखिए इसको काटेंगे, 3 5 कितना होता है, 15 होता है, प्लस ये 24 जेम के तेम रहने देंगे, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। अब ये देखिए ये 24 प्लस का माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और राइट आंसर क्या बच जाएगा आखिरी में, 5 बचेगा, जो कि 5 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।